आप सभी का स्वागत है दोस्तों रीगा स्टडी चैनल पे। सब स्टूडेंट मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे सर HSC CHL और ग्रेजुएशन लेवल कंबाइंड का एग्ज़ाम कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो उसका मैंने वेबसाइट से निकाला है दोस्तों ऑफिशियली, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। दोस्तों उन्होंने कैलेंडर पूरा एग्जामिनेशन दिया है, मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल पे देने वाले थे एग्ज़ाम CHL का तो है ही, इसमें जो इंजीनियर लेवल पे सिविल इंजीनियर मैकेनिकल और क्वांटिटेटिव सर्वाइस सब उन्होंने कैलेंडर शो कर दिया। तो ये कैलेंडर में आपको पूरा सब डिटेल मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। पहला है सीरियल नंबर, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, Tier 1 फेसेस, डेट एडवर्टाइजमेंट क्लोजिंग एंड डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो पहला एग्ज़ाम है जो कैंडिडेट ने 2009 में फॉर्म भरा था दोस्तों, Tier 1 का एग्ज़ाम हो गया था उनका, मतलब आधे कैंडिडेट का भी नहीं हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल एक या दो दिन बैच चला था मतलब, और COVID-19 के वजह से दोस्तों नहीं हो पाया। तो जिनका नहीं हुआ एग्ज़ाम उनका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, ठीक है। उनके लिए बहुत बढ़िया इतना टाइम मिला पढ़ाई के लिए, और उन्होंने डेट भी अभी एग्ज़ाम का बता दिया है। यहाँ पे देखिए 12/10/2020 टू 26/10/2020 इसके बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों CHL का कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों जो बच्चों का कैंडिडेट मतलब बाकी थे एग्ज़ाम देने से उनका ये एग्ज़ाम मतलब होने वाला है। अभी जिनका नहीं हुआ उनका ही होने वाला है बस। जिनका हो गया दोस्तों एक या दो दिन चला एग्ज़ाम, उसके बाद नहीं चला क्योंकि COVID-19 के वजह से सब बंद कर दिया था दोस्तों, आप सभी को पता है उसके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा एग्ज़ाम है दोस्तों, जो कैंडिडेट है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी सर्वाइन एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2019 में जिन्होंने फॉर्म भरा था, Paper 1 उनका भी पेपर नहीं हुआ था CBT का दोस्तों, उनका डेट यहाँ पे दिया है। देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों 27/10/2020 टू 30/10/2020 को हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का दोस्तों देखो उनका CBT 2 दोस्तों नहीं हुआ था एग्ज़ाम, उनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उनका एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पे देखो 2/11/2020 टू 5/11/2020 को होने वाला है उनका एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन पोस्ट फ्रीसेस 8/8/2020 दोस्तों, इनका CBT कब होने वाला है 6/11/2020 टू 10/11/2020। जो जो कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है जिनको जिनको एडमिट कार्ड आ जाएगा 10 दिन पहले या 4-5 दिन पहले आपको इंटीमेशन मेल या मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे। आप दोस्तों एग्ज़ाम जो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ज़ोर से शुरू कर दिए डबल मेहनत कर दिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट उन्होंने इसके बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो पक्का है दोस्तों। तो इसके लिए आप पढ़ाई बिल्कुल अभी इग्नोर मत कीजिए, पढ़ाई अभी फोकस कीजिए, जो आपका एम है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि आप अभी आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो अभी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, आपके पास बहुत कम टाइम है, कुछ लोग का 15 दिन का टाइम है, कुछ लोग का बहुत कम टाइम है। तो जिन जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम के लिए मेहनत किया, एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम यही मौका है दोस्तों क्रैक करने का, एग्ज़ाम पूरी जान लगा दो दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, मतलब समझो 1 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा एग्जाम्पल के लिए, तो COVID-19 की वजह से दोस्तों कुछ स्टूडेंट रहते हैं 1 लाख उसमें से तो इग्नोर कर देते हैं, तो उनका पढ़ाई का लेवल थोड़ा मतलब कम होता है। क्योंकि क्या एग्ज़ाम होने वाला है नहीं उनके मन में, तो उनके हिसाब से अपने को नहीं सोचना है, अपने को अपना टॉप देना है दोस्तों, फुल जी जान लगा दो, समझो ये अपना लास्ट एग्ज़ाम है दोस्तों, ये समझ के एग्ज़ाम दे दो। इसके बारे में कोई एग्ज़ाम नहीं दूंगा, यही एग्ज़ाम दूंगा, पूरा मन लगा के पढ़ाई करके टॉप करके इस बार सिलेक्शन ज़रूर लूंगा। इसके लिए कुछ जो हो जाए के करेंगे दोस्तों, पर पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, पढ़ाई करो दोस्तों, यही चांस है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टोनोग्राफर Grade C/D एग्जामिनेशन CBT 16/11/2020 टू 18/2020 दोस्तों,
इनके लिए भी 1 महीना बाकी है दोस्तों। ऐसा 1 महीना, 10 दिन, 5 दिन, जैसे जैसे जिसने जिस कैटेगरी में भरा है दोस्तों फॉर्म, जो कैंडिडेट ने, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन लेवल हो, टेक्निकल लेवल हो, अलग अलग CHL हो, जिसने जैसे भरा है उसके हिसाब से उन्होंने शेड्यूल किया है एग्ज़ाम, पूरा उन्होंने कैलेंडर भेजा है दोस्तों। आप भी पूरा कैलेंडर रीड कर सकते हैं। और इसका जो आपको लिंक चाहिए PDF का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ले सकते हो दोस्तों और पूरा रीड कर सकते हो। ये मैंने PDF SSC का जो वेबसाइट है वहाँ से लिया है दोस्तों, ठीक है। वेबसाइट का वो PDF है, उनके ऑफिशियली साइट से मैंने PDF लिया है दोस्तों। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये पूरा PDF रीड कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, शायद आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने बड़ा स्क्रीन रखा है, क्योंकि सब कैंडिडेट को दिखाई दे, नहीं तो छोटा कर देता हूँ तो कुछ कैंडिडेट मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि नहीं दिख रहा है सर, इसके लिए मैं बड़ा रख रहा हूँ स्क्रीन। आप देख लीजिए आपने किस कैटेगरी में अप्लाई किया है और कब एग्ज़ाम होने वाला है। कंबाइन हायर सेकेंडरी है दोस्तों, देखो क्या लिखा है, पूरा पढ़ो इसमें क्या लिखा है। 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 TR1 CBT 6/11/2020 एडवर्टाइजमेंट का है दोस्तों। इनका एग्ज़ाम कब होने वाला है दोस्तों, 12/4/2021 को, 27/4/2021 को। आगे का भी उन्होंने पूरा शेड्यूल किया है दोस्तों, ठीक है। एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, सब कुछ आप उसके हिसाब से अपना प्रिपेयर करना है दोस्तों और अपना बेस्ट देना है एग्ज़ाम में जाके, ठीक है। आप पूरा देख सकते हो, नीचे आ रहा हूँ मैं, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप प्रॉपर रीड कीजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑफिशियली मैंने लिया है उनका वेबसाइट से PDF, किधर से नहीं ऐसा, आप भी उनके वेबसाइट पे भी जाके ले सकते हो PDF दोस्तों, ठीक है। आपको मेरा चैनल पसंद आया तो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से रेड कलर का बटन है नीचे, सब्सक्राइब करने से क्या होता है दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे तो आप कोई भी गवर्नमेंट रिगार्डिंग जॉब नहीं मिस कर पाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे गवर्नमेंट रिगार्डिंग सब अपडेट मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।